से पढ़ाते हैं, टीचर्स को लेकर आते हैं जो कि सिर्फ 12th पास होते हैं या उन्होंने कंप्लीट अपनी ग्रेजुएशन भी नहीं की है, तब भी उनको वो लोग बोलते हैं कि हाँ पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो वो क्वालिटी भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा फीस है कि अब हर एक पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं है अफोर्ड कर सकते कि वो अपना पे कर पाए बच्चों के लिए। अब ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही बच्चा हो या फिर दो बच्चे हो या तीन भी होते हैं, क्योंकि हम खुद चाह रहे हैं तो नहीं पॉसिबल हो पाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ सोल्यूशन बताइए, जैसे कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट हम लोग डिमांड कर सकते हैं फिर कैसे होगी। रिक्वायरमेंट क्या है, देखो जो एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाए, जैसे बंद हो रहे हैं, तो ये जो हमारे मजदूर वगैरह के बच्चे हैं या तो फिर वो वैसे ही DPS के डॉक्टर रूल वाले स्कूलों में चले जाएंगे या फिर वो काम वगैरह पे चले जाएंगे, उनका जो एजुकेशन है वो जीरो हो जाएगा। तो स्कूल तो बंद होने ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट स्कूल। और दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे, ऐसा नहीं है देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है, अगर आप केंद्रीय विद्यालय देखो, नवोदय विद्यालय देखो, मिलिट्री के स्कूल है, सरकार के मिलिट्री स्कूल बोलते हैं उनको।